अस्सलाम वालेकुम जी, आज के इस वीडियो में मैं पीएच कॉस्मेटिक्स के ब्रशेस सेट का रिव्यू करने जा रही हूँ और अनबॉक्स भी करके दिखाऊंगी। ये है जी बीएच कॉस्मेटिक्स के ब्रशेस सेट का पैक। ये लेविश एलिगेंस 15 पीस ब्रश सेट विद कॉस्मेटिक बैग। तो इसमें जी ये कॉस्मेटिक बैग मतलब पाउच टाइप है, उसके अंदर ये ब्रशेस दिए हुए हैं, काफ़ी सॉफ्ट हैं। मैं आपको ये अनबॉक्स करके दिखाऊंगी, इनके ब्रशेस की क्वालिटी के बारे में बताऊंगी। और इसमें तकरीबन 15 ब्रशेस दिए हुए हैं जिसमें ब्लश ऑन और आई ब्रशेस काफ़ी सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और इनकी क्वालिटी बहुत फाइन है, तो मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर जी ये इनके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है और ब्रशेस इंक्लूड ये सब कुछ, कौन कौन से ब्रशेस हैं वो सब भी मैंशनड है इसके बैक पर। 15 ब्रशेस हैं, हर एक की डिटेल यहाँ पर आपको बैक साइड पे इसके मिल जाएगी। और ये मैं ओपन करती हूँ, तो ये जी मैंने ओपन कर लिया है। ये पहले इस तरह से प्लास्टिक पैकिंग के अंदर एक पाउच है, उसके बाद यहाँ पे बीएच कॉस्मेटिक्स का लगा हुआ है लोगो, और उसके बाद अब मैं इसको मज़ीद ओपन करती हूँ। तो ये जी पाउच है, काफ़ी अच्छा मटेरियल इसका है, मतलब जल्दी ये ख़राब होने वाला नहीं है। कॉस्मेटिक पाउच आपको मिल रहा है, आप इसमें ब्रशेस यही वाले रखना चाहें तो ये रखें, अगर इसके अलावा आप कुछ और रखना चाह रहे हैं तो आप वो भी रख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये है, ये ज़िप है और ये इसके ऊपर भी इन्होंने इस तरह से इसको एक प्लास्टिक से रैप किया हुआ है। तो इसको ओपन कर लेते हैं, अंदर ब्रशेस अब चेक कर लेते हैं। तो ये जी पाउच से ब्रशेस को मैंने निकाल लिया है और ये देखें कि मज़ीद एक और प्लास्टिक पैकिंग में ब्रशेस हैं, यानी कि पाउच के अंदर भी एज इट इज़ नहीं थे, एक और पैकिंग में जो है वो ब्रशेस दिए हुए हैं। अब यहाँ पर इनको ओपन करती हूँ। तो ये जी मैंने इनका पैकेट ओपन किया, आप देख सकते हैं कि मज़ीद एक और प्लास्टिक पैकिंग में ये ब्रशेस हैं, यानी इसके अंदर भी इन्होंने इस तरह से इसको पैक किया हुआ है। ये सारे ब्रशेस जितने भी हैं मैं सब निकाल लेती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये देखिए जी हर ब्रश इंडिविजुअली प्लास्टिक में पैक्ड है, यानी बहुत अच्छी पैकिंग भी है और बहुत अच्छी जो है वो ब्रश की क्वालिटी भी है। ये देखिए जी, और ये देखिए प्रोफेशनल ब्रशेस हैं। अगर आप बिगनर हैं, बिगनिंग स्टेज पे हैं, तब भी आपके लिए बेस्ट है, और अगर आप प्रोफेशनली जो है वो यूज़ करना चाहें तो भी ये आपके लिए बेस्ट ब्रशेस सेट है। बहुत जल्दी ये एक्सपायर नहीं होने वाला, काफ़ी टाइम आपका इन ब्रशेस के साथ निकलेगा अब अगर एक बार बाय कर। अच्छा जी, तो ये मैंने ओपन कर लिया है और ये देखें जी बीएच कॉस्मेटिक्स इस तरह से 1, 2, 3, 4 इस तरह करके नंबरिंग भी दी हुई है हर ब्रशेस पे, हर ब्रश सेट पे। और यहाँ पर ये मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ, ये सब इसमें ब्रशेस हैं। अब मैं यहाँ पर आपको ये वाला जो है इसको इसका कवर भी निकाल के दिखा देती हूँ, कवर से इसको। तो ये देखें जी, ये है बीएच कॉस्मेटिक्स का ब्रश और ये देख सकते हैं आप, सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा, क्वालिटी बहुत फाइन है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ब्लेंडिंग में बहुत आसानी होगी इसके साथ ना, बहुत इजीली ब्लेंड करेगा ये। और ये देखिए जी, यहाँ पर ये एक और ब्रश देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए जी, ये है जी, इसकी भी आप क्वालिटी चेक करें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और इसका ये भी ब्रश भी जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, नॉर्मल वेट है जो है, और नॉर्मल वेट है। और क्या कहते हैं, यहाँ पर ये मज़ीद ब्रशेस भी दिए हुए हैं आई शेडोज के लिए, आई शेडो को अप्लाई और ब्लेंड करने के लिए, लाइनर अप्लाई करने के लिए, आईब्रो के लिए, सारे ब्रशेस यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। तो इनकी क्वालिटी बहुत फाइन है और बहुत नाइस है। उसके बाद आप लोग जो है वो इस पाउच में इसको रख सकते हैं, पाउच को भी मैं अंदर से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, ये इनसाइड व्यू ऑफ पाउच है,
या इसमें आप लोग अपना कोई और कॉस्मेटिक भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ब्रशेस रखें, और अगर ब्रशेस भी रखने हैं आपने इसके इसी में तो फिर आप वो भी रख सकते हैं, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। लेकिन क्वालिटी जो है वो मुझे बहुत पसंद आई है इन ब्रशेस की, बहुत स्मूथ एंड सॉफ्ट है इनका टेक्स्चर ब्रशेस का, एंड आई पर्सनली रिकमेंड दिस ब्रशेस, और आप लोग ये लें, बिल्कुल अच्छे मिलेंगे आपको, और ये आपको ऑनलाइन सेलिंग स्टोर से मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक जो है पेज का इनका, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके जो है वो ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं ब्रशेस के। ये मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं, बहुत कम स्टॉक में आते हैं, क्योंकि जब भी ये स्टॉक में आते हैं ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, मतलब इनकी सेल बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं जब भी स्टॉक अपडेट हुआ तो मैंने ऑर्डर कर लिए थे। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।